खड़ी क्यों हो गई? बैठो तुम दोनों, बैठो बैठो। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन एक घूंट में पी जाना तुम दोनों, बहुत लाभकारी है ये। एक तो ये तुम्हें मजबूत बनाएगा और माँ बनने में भी मदद करेगा। लो पी लो। बुआ सा, आपने इसमें क्या क्या मिलाया है? इसमें तुलसी, मुलाठी, सौंठ, अश्वगंधा और बहुत सी लाभकारी जड़ी बूटियां हैं, बस पी लो। इसे पीते ही तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी और मेरा बदला पूरा होगा। मुंह खोलू तो सांप लौट जाए, इस बच्ची को तो मैं। मेरा मतलब था कि समझाओ बच्ची को कि घर में नहीं खेलना चाहिए, अब हो गया ना नुकसान। कोई बात नहीं बुआ साहब, मुझे रेसिपी बता दीजिए, मैं दोबारा बना लूंगी। कैसे बनाओगी दोबारा? वही नहीं है। क्या नहीं है बुआ साहब? वो कुछ नहीं, जाने दो। रुचिता, तुम एक काम करो, तुम ये पियो, मेरे पास वैसे भी प्रिया है, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। नहीं भाभी, आप पी लीजिए, मैं दोबारा बना लूंगी। दोबारा बनाओगी तो मुझे दे देना। हाँ हाँ, ये ठीक है, पी लो बेटा। थैंक यू। इस वंश का अंत। रचिता बेटा, तुमने कान्हा जी की तस्वीर को बचाया है ना, अब देखना बहुत जल्द इस घर में लड्डू गोपाल या फिर राधा जैसी प्यारी प्यारी बिटिया आ जाएगी। तो सांप लौट जाए, पर इस लड़की ने तो उल्टी करके मेरे सपनों को ही मैला कर दिया। मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ।
इतनी मुश्किल से गांव से जड़ी बूटी मंगवा कर ये काढ़ा बनाया था, सब बर्बाद हो गया। पहले गिलास टूट गया और फिर उल्टी कर दी। पर बुआ साहब, इसमें भाभी या रुचिता की क्या गलती है? सॉरी बुआ साहब, पता नहीं कैसे उल्टी हो गई। मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है, इसीलिए मेरा दिया हुआ काढ़ा तूने उलट दिया? नहीं बुआ साहब, मैं वो गलती हो गई मुझसे, मुझे चले जाना चाहिए था। चली जाती तो तुम्हारे मन में मेरे लिए जो कड़वाहट है वो तो खत्म हो जाती। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं बुआ साहब, रुचिता! शुरू किया है तुमने, जो बुआ साहब को इस तरह से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं? मॉम, लेकिन बुआ साहब, सदा सुहागन रहो। माँ जी, खुश रहो। बस निहार, बस। गलत चीजों पर अपनी पत्नी को अगर टोक नहीं सकते तो कम से कम गलत चीजों में उसका साथ तो मत दो ना तुम। इस घर की यह हालत साफ बता रही है कि यहाँ कुछ हुआ है। बताओ रुचिता, फिर कौन सा नया तमाशा खड़ा किया है तुमने? कैसे टूटा ये क्लास? माँ, मैंने वो असल में ना, इस घर में कुछ लोगों ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए अपनी सारी हद भूलती चली जा रही है। ना बड़ों का लिहाज है, ना रिश्तों की कोई कदर है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी रुचिता, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। एक काम करो, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, अपनी माँ से सीख कर आओ तमीज। कराओ लिहाज। चलो पूनम, हाथ छोड़ मेरी बहू का। वासा? मैंने कहा हाथ छोड़। वासा, ये क्या कर रही हैं आप? इस लड़की की वजह से आपका सर शर्मिंदगी से नीचे हुआ, आपको हाथ जोड़ना पड़ा। चुप! बुरी बात सुनी नहीं, आधी सुन के तांडव करने लगी। अरे, इसकी जैसी बहू तो चिराग लेके ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। अरे, मेरी तो सारी गलत फहमियां दूर हो गई। अरे, इन दोनों की जोड़ी तो खाटू श्याम बाबा ने खुद बना के भेजी है। इन दोनों को किसी की नजर न लगे। माफ कर दीजिएगा बुआ साहब, मैं आपका दिया हुआ काढ़ा नहीं पी पाई। कोई बात नहीं बेटा, बस तुम अपना ख्याल रखना। हम्म, मैं 2 दिन के लिए क्या गई, बुआसा का तो रूप ही बदल गया है। या फिर इस रुचिता ने इनके ऊपर भी अपना जादू कर दिया है। ये पूरी चाल मिट्टी में मिल गई। अब थोड़ी सी बूटी बची है। हाँ, इसे दूसरी चीजों में मिलाकर दोनों को देना होगा, तभी दोनों मां नहीं बन पाएंगी। बुआ साहब, ये सब क्या है पूनम? आपकी तबीयत नहीं ठीक है ना बुआ साहब, तो चेक करने आई थी। आप कीजिए मुंह खोली। पीछे कर, कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूँ मैं। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ बुआ साहब? तबीयत तो ठीक नहीं लग रही आपकी, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है,
अगर आपकी तबीयत ठीक होती तो इस तरह से आप रुचिता का साथ तो नहीं दे रही होती ना। अच्छा, जैसे तू उसका साथ देती है ना, वैसे मैं उसका साथ देती हूँ। मुंह भी तो बड़ी मीठी मीठी बनती है और पेट होते ही उसे घर से बाहर निकालने की तरकीबें सोचती है, तो मैंने क्या अलग कर दिया। अब चल जा, मुझे कहीं जाना है। चल जा यहाँ से, खुद ही चली गई। ये चल क्या रहा है बुआसा के दिमाग में? ये रुचिता के साथ है या नहीं, पता करना पड़ेगा। वाओ, कितनी अमेजिंग खुशबू है। क्या बन रहा है? भरवा करेले। याक, ये करेला कौन खाता है? मैं, मेरे तो फेवरेट है। सीरियसली, तुम ही खाओ ये करेला, मेरे लिए कुछ और बना देना प्लीज। निहार जी, सबको सब कुछ खाना चाहिए, और आप टेंशन मत लीजिए, मैं इतना टेस्टी बनाऊंगी ना कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। पक्का? हाँ। मेरा मतलब मतलब कुछ नहीं। हाँ, तो जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। जल्दी से जड़ी बूटियां पीस के अपना काम खत्म करती हूँ। सॉरी बुआ साहब, मैं एक फोन करके आता हूँ। मैं भी कपड़े सुखा के आती हूँ। भरवा करेला, तुझे तो मैं ऐसा भरवा करेला खिलाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। इन्हें मैं अलग रंग के धागे से बांधती हूँ ताकि एक ऋतु खाए और एक रुचिता। बुआ साहब, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, वो तुम्हारी देवरानी काम अधूरा छोड़ गई तो मैंने सोचा मैं पूरा कर देती हूँ। आप मुझे दे दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं रहने दे, मैं कर लूंगी। नहीं, वो ऐसा हो जाएगा, लाइए। अरे रितु, ये धागा ना मुझे चाहिए था, तुम दूसरे धागे से लपेट लो बाकी करेले। भाभी, भाभी आप जाइए, मैं बना लेती हूँ। खड़ी क्यों हो पूनम? आओ बैठो।
बैठे हैं? आज पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाएगा। आज पत्नियां भी पति के साथ बैठकर ही खाना खाएंगी। जब जमाने के साथ चलने की सोच ही ली है तो ये छोटे छोटे बदलाव भी तो करने पड़ेंगे। आओ आओ बैठो सब। जी बुआ सा, करेला पड़ा पड़ा। बैठो। ऐसा क्या हुआ? अरे तो ये वाला ले ना, इसमें देख कितना ज्यादा मसाला भरा हुआ, ले। ये लो, तुम्हारे फेवरेट करेले। छुटकू, रुचिता को ये वाला देना, बड़ा वाला ले। बात नहीं बुआ सा, ये आप खा लो। नहीं चुटकू, अब इस उम्र में ये सब मुझे नहीं पचेगा। बुआ सा, बहुत कम तेल में बनाई हूँ मैं, आप खा सकती हैं। अरे भाई, किसी को नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, बहुत टेस्टी बने हैं करेले, लड़ो मत। ला, मुझे दे दो। मुंह खोलू तो सांप लौट जाए, कहीं आज सब सत्यानाश ना हो जाए। मुझे कुछ भी करके लाल धागे वाले करेले रुचिता और ऋतु को खिलाने ही हैं। लाओ और मुझे दे दो। बहुत हो गया बीवियों और बहुओं का बलिदान। अरे पीढ़ियों से यही परंपरा तो चली आ रही है कि घर के मर्दों के लिए औरतें अपने खाने का बलिदान देती हैं, उन्हें भर पेट खिलाती है लेकिन खुद आधे पेट रह जाती है। अरे खाना इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन औरतों से उसमें भी त्याग मांगा जाता है। अरे एक जानवर को भी इंसान भर पेट खिलाता है, लेकिन अगर औरत आधी रोटी ज्यादा मांग ले तो सबके सीने पे सांप लौट जाते हैं। आज अगर मैं इस उम्र में अपनी सोच बदल सकती हूँ तो तुम सबको भी अपनी सोच बदलनी होगी। आज ये भरे करेले सिर्फ ऋतु और छोटी बहू खाएंगे। अरे देख क्या रही हो, खाना खाओ। जी मौसा। आज घर की औरतें मर्दों के लिए अपना खाना नहीं छोड़ेंगी। जी बुआ साहब, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ताज्जुब है कि इतने अहम बात पर भी आज भी समाज का, लोगों का ध्यान नहीं जाता। आओ बुआ साहब, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो अब दोनों बड़े करेले रुचिता और ऋतु को दो। निहार जी, आप टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। वाओ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि करेला इतना टेस्टी भी हो सकता है। बहुत तुम भी खाओ। कहीं हिचकी के चक्कर में खाना छोड़कर ना उठ जाए ये।
क्या हुआ रुचिता? कुछ नहीं। अरे देख क्या रही हो, खाना खाओ। जी बुआसा। रुचिता, तुम अपने लेफ्ट हैंड से क्यों खा रही हो आज? बताओ ना रुचिता, तुम लेफ्ट हैंड से क्यों खा रही हो? वो मेरे राइट हैंड में चोट लगी थी ना, तो मैंने बाम लगाया। ओ। सॉरी, आज ज्यादा टेस्टी नहीं बना पाई मैं। क्या बोल रही हो रुचिता, इतना टेस्टी तो है। चलो, मेरा एक मकसद तो पूरा हुआ, इस घर का वंश खत्म। ना तो बच्चा होगा ना वंश आगे बढ़ेगा, दोनों बहुएं बांझ हो गई, मेरा सपना पूरा होगा। बहुत खुश लग रही हैं आप बुआ साहब। अब ना तो बच्चा होगा ना वंश आगे बढ़ेगा, दोनों बहुएं बांझ हो गई, मेरा सपना पूरा होगा। बहुत खुश लग रही हैं आप बुआ साहब। क्यों खिला रही थी ये मसाला आप मेरे बहुओं को? बोलिए क्या है सच? कुछ नहीं, बस एक जड़ी बूटी है जिससे वो लड़की माँ नहीं बन पाती। मेरे निहार के बच्चा नहीं होने देना चाहती आप? क्यों खिला रही थी ये मसाला आप मेरे बहुओं को? बोलिए क्या है सच? कुछ नहीं, बस एक जड़ी बूटी है जिससे वो लड़की माँ नहीं बन पाती। मेरे निहार के बच्चा नहीं होने देना चाहती आप?